दोस्तों, मैं साधना टेरेस गार्डन से साधना बात कर रही हूँ। ये आप दोस्तों काले चने देख रहे हैं, इसका आज हम साग लगाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले चने को आप साफ करके पानी से 2-3 बार इसको रात में भिगो दें। दोस्तों देखिए, मैंने ये 2-3 बार साफ करने के बाद पानी को मैं भिगोए हुए हैं चने को, ये मैंने कांच का जार लिया हुआ है दोस्तों। बस इसको भिगोने के बाद आप सुबह के टाइम या दिन में कभी भी आप मिट्टी में इनको लगा दें तो आपको इस तरीके के पेड़ दिखाई देंगे दोस्तों। इसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ये चना का साग के छोटे छोटे से पेड़ आप देख रहे होंगे, चना का साग इसी तरह का आता है दोस्तों। ये मेरी इसकी बेल जैसी लंबी सी हो गई है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, नीचे भी बहुत सारे हैं आ रहे हैं। ये चने में ज़्यादा इसमें डाली हूँ पर उग नहीं पाए हैं दोस्तों, कितने तो रन हो जाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं दोस्तों। सब बीजों का ऐसे ही है, थोड़ा आगे पीछे भी होते हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। इस चने के साग को कटिंग करके आप साग सब्जी में बना सकते हैं, लहसुन प्याज टमाटर डाल के इसके कई यूजेज हैं, कच्ची भी आप खा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे स्प्राउट किए हुए चने पैदा करते हैं ऐसे ही आप इसकी कटिंग करके खा सकते हैं, इसका जूस बना के पी सकते हैं दोस्तों। ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, और कच्चा हम चने का साग खाएंगे तो ये हल्का खट्टापन लिए हुए है होता है, टेस्टी होता है। आप इसको खाकर भी देखें और इसका जूस बनाकर भी पिएं या सब्जी भी बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी निकलेगा इसका सब्जी। ओके दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।